आप दो कस्टमर को हेलमेट, लगाए नहीं लगाए वो उसकी गलती है, नहीं लगाए तो बोल देना 1000 रुपए दे दो, तब मत लगाओ, समझ रहे हो। मैं हूँ दोस्तों अभी कानपुर सेंट्रल में, बोकारो से आ रहा हूँ। वैसे ट्रेन जो है मेरी लगभग 1.5 घंटा लेट थी, तो अब यहाँ से मैं रैपिडो करूँगा, देखते हैं कानपुर में क्या रैपिडो चलता है कि नहीं। तो यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बाहर कहीं बैठते हैं और बुक कर लेते हैं रैपिडो। भाई देखो सभी स्टेशन के बाहर ऐसे होता है, बहुत सारे लोग आपको पीछे पड़ते हैं, भैया कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे। तो अपन तो भाई रैपिडो बुक करेंगे, हमें तो चेक करना है कि यहाँ पे रैपिडो कैसे। मैं इनसे मुंह छुपाते हुए भाग रहा हूँ ऑटो और कैब वालों से। ये सही है बैठने का यार, यहीं बैठते हैं। अब यहाँ बैठ के सुबह के 8:30 हो रहा है भाई साहब, और हम बुक कर रहे हैं रैपिडो। तो कानपुर सेंट्रल से और जकारबाटी बस स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है गुरसाईगंज। चलो कैश कर लेते हैं, ये बुक कर रहे हैं भाई साहब। रैपिडो दिखा तो रहा है यहाँ पे। अचानक अपने को ट्रेन में याद आया कि यार यहाँ पे भी चलता है कानपुर सेंट्रल में, तो क्यों ना बुक करा जाए। तो चलो उसी को एक्सपीरियंस करते हैं आज। लो जी कैप्टन आ गए हमारे, हो गया बुक भाई साहब, हो गया बुक। रंजीत सिंह जी आ रहे हैं हीरो पैशन में, 7272, ये अपना OPT है। 2 मिनट में आ रहे हैं भाई साहब, चलो आने दो इनको। गेट नंबर 3 के पास है, हम तो वहीं खड़े हैं, देखो गाड़ी रेड कलर की। 1 मिनट देखता हूँ, भाई साहब हमारे कैप्टन साहब आ गए। रेड कलर का है क्या आपका पैशन? जी जी हाँ, इधर ही है भैया, हाथ में एक कैमरा लिए, देख लिया मैंने आपको आ रहा हूँ। भाई साहब मॉर्निंग में कानपुर के पास मजा आ गया, हमारे जो कैप्टन है आ गए। ये आप हो राजेश जी है? ये हमारी वीडियो बनती है, हमने कहा यार कानपुर आए फर्स्ट टाइम, रैपिडो बुक करें कैसी सर्विस है देखते हैं, तो वीडियो भी बना लेंगे। तो ये है कानपुर सेंट्रल को बाय बाय करते हैं, बस स्टैंड चलते हैं। लीजिए भैया OPT। आप दूसरे राइड पे थे क्या? 7222 क्या कह रहे हैं? मैंने नंबर दिया था, मैंने कहा कॉल करने में दिक्कत ना हो। 7222 चले बैठ जा, चलो बैग पीछे रखेंगे। अच्छा यहाँ पे भी हेलमेट की जरूरत नहीं है क्या पीछे वाले को? अच्छा स्ट्रिक्ट नहीं है ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं पे अलाउ है, अदरवाइज ज़्यादातर जगह पे देख रहे हैं कि हेलमेट ज़रूरी नहीं है। तो भाई ये है कानपुर सेंट्रल, और क्या बात है देख लो, कानपुर सेंट्रल में अपन जो है कानपुर में भी रैपिडो है भाई साहब, वो बहुत बढ़िया सर्विस है। भैया जो है एक ही कॉल पे आ गए। कितने बजे से चला रहे हो भैया सुबह? और रैपिडो ओला भी चलती है क्या यहाँ पे? ओ उबर और ओला चलता है? अरे वाह उबर ओला भी चलता है यार, बहुत ही अच्छा है। अरे कानपुर स्टेशन के बाहर जस्ट देखो, होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। कानपुर तो वैसे पढ़ा होगा स्कूल टाइम में आप लोगों ने, चमड़े का काम वगैरह होता है, जूते वगैरह यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। क्यों भैया? UP 78। तो भाई साहब हमारे कानपुर से कितने भाई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ज़रा कमेंट करके बताना भाई। अच्छा आपने मोबाइल होल्डर नहीं लगा रखा है, ज़रूरत नहीं पड़ती तो लगवा लीजिए 100-150 रुपये में, और क्या बढ़िया। अरे नहीं नहीं प्लास्टिक वाला आता है ना, थोड़ा अच्छा लगा लीजिए तो बड़ी। एक बार में ये महंगा रो एक बार और सस्ता रो ये बार बार, क्यों? अरे भैया भाई यूपी में ऑलमोस्ट बहुत से जगहों पे जो ना रात में बारिश हुई है, जिसका असर यहाँ भी दिख रहा है, मौसम इतना अच्छा है।
ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी 8:30-9 हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। भाई कानपुर में भी किदवई नगर है इस तरफ, हमारे दिल्ली में भी किदवई नगर है भैया। क्या बोलते हैं इस चौक को? गरीब चौक नहीं। स्टेशन कौन सा? बस अड्डा। हाँ वही उतार दो बस, हमें बस लेना है गुरसाईगंज के लिए। भाई साहब कानपुर की ट्रैफिक तो, डबल हेलमेट नहीं है ना? सीसीटीवी का चलान तो आता होगा? चलान नहीं है मतलब, है ना? हो चुका है फिर भी आप हेलमेट नहीं दे रहे हो? अरे वाह, बड़े निडर हो यार आप, या पैसे ज़्यादा है आपके पास? नहीं बिल्कुल लगाएंगे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप, लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ वो है, देखिए 100 में आपको समझाना पड़ेगा ना, दिक्कत आपको है ना, कस्टमर तो है ही, इसीलिए उसका नाम है कस्टमर। और चलान हो जाता है 1000 रुपये का, वो हमारे जेब से जाता है क्यों भैया? गलत करें तो बताओ, चलान होगा तो भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा, कस्टमर थोड़ी करेगा। कर दीजिए एंड भैया, कम दिया यार, मिनिमम फेयर तो 25 रुपये है। हाँ 17, मेरे को लग रहा है मेरे को कूपन वगैरह दिया है इन्होंने। मैं पहली बार कानपुर आया हूँ ना, तो रैपिडो ने 25 की जगह भाई 17 रुपये का बिल आया भाई साहब, मात्र 17 रुपये का। अभी यार इसको कहाँ रखूँ भाई साहब? ये भैया जो है वो ओला उबर रैपिडो तीनों चला रहे, और कस्टमर से कन्फर्म कर रहे भैया ओला है कि उबर है। तो मैंने कहा भैया क्या है वो तो आप बताओ। ये ख़त्म नहीं हुआ मेरे पास, एंड कर दिया आपने, वो ख़त्म करो उसको भाई। 17 रुपये का बिल बना, बहुत ही कम बना है भैया से बोलते हैं। लो भैया काट लो 20 रुपये है चेंज, नहीं है फिर UPI दे दूँ? है ये ले लो, थैंक यू भैया। देखो आप दो कस्टमर को हेलमेट, लगाए नहीं लगाए वो उसकी गलती है, नहीं लगाए तो बोल देना 1000 रुपये दे दो, तब मत लगाओ, समझ रहे हो? राइडर पहले ही बोल देता है भाई कस्टमर लगाएगा नहीं। अरे तुम दो तो सही हेलमेट यार, लगाएगा क्यों नहीं? नहीं लगाएगा तो बोल बैठ मत मेरे में। चलो जी भैया आगे बढ़ते हैं। भाई हम जो है इनको दे देते हैं 5 स्टार। झकरकट्टी उपगामी सेतु, ऊपरगामी सेतु वो भी हो भाई साहब, ऐसे छोटे सिटी या कोई भी सिटी हो, रैपिडो या बाइक मिलने से ना बहुत आसान हो गया कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लगता नहीं कि आप बाहर हो, ऐसा लगता है कि आप अपने घर पे हो। वाले बस पे हम जा रहे हैं कहाँ पे? फतेहगढ़। अरे गुरसाईगंज जा रहे हैं भाई साहब। ओहो बस तो पूरी खाली है भाई, हम अकेले जाएंगे? भाई दोस्तों इस बस पे मैं अकेला जा रहा हूँ, जो है UP गवर्नमेंट ने ये वाली बस मेरे लिए अकेले लाई है, इस पे मैं अकेला सफ़र करूँगा आज पूरे दिन।